सो फाइनली बी एच यू रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, रेट कैटेगरी, एन टी ए कैटेगरी, यू हैव ऑल ऑप्शन. देर आर द लॉट ऑफ कन्फ्यूजन जब एन टी ए का फॉर्म आया था, एंड नाउ द रेट फॉर्म हैज़ बीन रिलीज विद अ लॉट ऑफ चेंजेस. सम एलाइड कैटेगरीज रूल्स हैज़ बीन चेंज, एग्जेम्प्टेड क्राइटेरिया हैज़ बीन चेंज, सम न्यू पी एच डी रूल्स आर इंट्रोड्यूस्ड, थाउजेंड्स प्लस सीट्स, एंड हाउ यू कैन टेक योर सीट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द डिटेल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज फॉर्म्स ये वाला भी है, एन टी ए वाला भी है, बट आपको अगर एडमिशन लेना है इन बी एच यू देन यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द चेंजेस, अबाउट द इंस्ट्रक्शंस, हाउ टू गेट रजिस्टर्ड. सो काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था कि बी एच यू के रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कब आएंगे, एंड वी ऑल्सो आर एज्यूमिंग कि रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ही आएगा, बट द ब्रोशर हैज़ शॉक्ड एवरीवन कि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो सब लोग इसको दे सकते हैं, जिसके थ्रू आपको कैसे एडमिशन लेना है वो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अगर आप एन टी ए का फॉर्म भर रहे हो, सो बिफोर finalizing your form, before the final submission of your NTA form, this is very important to go through the instruction of this prospectus. देखिए, इस prospectus के अंदर जो दे रखा है, that is the discipline available under various categories, main discipline or allied discipline का combination, this is very important to understand. Minimum eligibility criteria क्या होना चाहिए अगर आप qualifying examination के through आने वाले हैं या percentage के आने वाले हैं, ये दे रखा है. रिजर्वेशन कैटेगरी, जनरल रूल, डायरेक्ट एडमिशन कौन लोग ले सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में ले सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ अ रेट. शायद ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि आर ई टी भी कंडक्ट होने वाला है, बट द आंसर इज येस, आर ई टी विल बी गोइंग टू बी कंडक्टेड, एंट्रेंस टेस्ट भी होगा बी एच यू का. चलो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस करना है, कितना पेमेंट है, क्या काउंसलिंग प्रोसीजर है, कौन से कोर्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो. सो दे हैव अपडेटेड द प्रॉस्पेक्टस थ्रू आउट फ्रॉम पेज 1 टू पेज 39. सो दैट वॉज द रीज़न कि प्रॉस्पेक्टस डिले हो रहा था, बट नाउ ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डिक्लेयर विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस. सी, दिस इज़ द फर्स्ट पेज, और इन्होंने इसके बारे में क्लियरली बोला है कि जो एडमिशन होंगे दैट इज थ्रू टू कैटेगरीज, बी एच यू रेट एग्जेम्प्टेड, in which it will be exempted categories, no examination is required, and through research entrance test. अब जो research entrance test है that can be of two, means जो BHU अपना खुद का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कराती थी पहले, आपने देखा था, या तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, या फिर आप JRF कैटेगरी हो तो डायरेक्ट इंटरव्यू आपको देना पड़ता था ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट और जो भी बनता था, उसके बाद फाइनल एग्जाम इंटरव्यू होता था. बट नाउ रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, सो अगर आपके पास फेलोशिप है, कुछ भी एग्जामिनेशन है, तो आप एग्जेम्प्टेड जाएंगे. और दूसरा है एंट्रेंस. एंट्रेंस के अंदर दो ऑप्शन है, तो एंट्रेंस आप दे सकते हो या तो जो बी एच यू कंडक्ट करा रहा है, विच इज़ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जो हमेशा कराता था वो अभी भी करा रहा है. दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम बी एच यू, बिकॉज बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने, जे एन यू, डी यू ने वो चीज़ नहीं कंडक्ट कराई, उसने सारे के सारे ब्रांच एनटीए को दे दिए, बट बीएचयू ने बहुत ही डिफरेंट ऑप्शंस चूज़ किए हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो बीएचयू का एग्ज़ाम जो होगा, बीएचयू विल कंडक्ट अ टेस्ट इन दोज डिसिप्लिन विच आर नॉट मैप्ड विद एनटीए. जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे, लाइक सर हाउ आई कैन फिल माई सब्जेक्ट इज़ नॉट इन द लिस्ट, एंड मैं उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कैसे दूंगा, बिकॉज आई डोंट बिलोंग फ्रॉम दैट सब्जेक्ट. तो प्रॉब्लम यही थी. तो अब जो सब्जेक्ट मैप नहीं हुए हैं एनटीए से, सीयूईटी के थ्रू जो एग्ज़ाम होगा, उन सब्जेक्ट्स का बीएचयू खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा. सो नाउ द थिंग्स हैज बीन चेंज. प्रॉस्पेक्टस बिल्कुल चेंज हो चुका है, ध्यान से सुनिएगा. और बाकी एनटीए जो टेस्ट करा रहा है वो अगर आप दे रहे हो, सो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आपका सब्जेक्ट एनटीए के अंदर नहीं है, देन आपको अपना सब्जेक्ट बीएचयू रेट के अंदर सर्च करना है, और अगर वो इसके अंदर है तो आपको ये एग्ज़ाम देना है.
दैट मीन्स अगर मेरे पास JRF है तो मैं आ जाऊंगा एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, नो नीड टू गिव NTA टेस्ट, नो नीड टू गिव RET. बट अगर मेरे पास JRF नहीं है, नेट नहीं है, देन आई हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं BHU का टेस्ट दूंगा या फिर NTA का टेस्ट दूंगा, और वो मैं चूज करूंगा अपने सब्जेक्ट, अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. गॉट इट? अब ध्यान से देखो, ये वो डिसिप्लिन है, सीट नंबर्स हैं, कोर्स कोड है और मोड ऑफ एडमिशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सबसे पहले आता है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक जो टॉपिक्स थे, जो डिसिप्लिन्स थे, वो एग्रीकल्चर के थे, बिकॉज ये सब्जेक्ट्स हमको NTA की वेबसाइट पे नहीं मिल रहे थे. मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ. तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स अगर आप देखेंगे, नाउ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स अगर आप देखेंगे तो ये मोड ऑफ एडमिशन लिखा है BHU RET. दैट मीन्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स NTA में मैप नहीं हुआ है. चलिए इसको ये चीज़ क्रॉस चेक कर लेते हैं. आपको भी ऐसे ही क्रॉस चेक करना है. आप NTA की वेबसाइट पे गए और आपको क्विक सर्च करने हैं अपने कोर्स, आपने ये चीज़ डाला, थोड़ा हिट एंड ट्रायल चेंज करना होगा. फॉर एग्जांपल लेट से मैं करता हूँ सिर्फ एग्रीकल्चर. सो देखिए एग्रीकल्चर स्टैटिक्स इज देयर. अब अगर मैं इसको चूज करूँगा बट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज नॉट इन द लिस्ट. तो एग्रीकल्चर स्टैटिक्स आप यहाँ सर्च करो, कंट्रोल एफ, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स. सी दिस इज़ द सब्जेक्ट, दिस इज़ फ्रॉम NTA. तो जो लोग एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में लेना चाहते हैं एडमिशन, उनको NTA का एग्ज़ाम देना है, ना कि BHU RET का. देखो बहुत कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट हो आप कॉमेंट करिएगा, आई विल पर्सनली टेक एंड डिस्कस विद यू, बिकॉज दो दो फॉर्म नहीं फिल करने हैं, प्लीज़ बी केयरफुल. तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिखाया, जो इकोनॉमिक्स से हैं वो RET का फॉर्म फिल करेंगे, जो एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से हैं वो NTA का फॉर्म फिल करेंगे. चेक कैसे करना है, यहाँ पे डाल के आपको चेक कर लेना है. अगर वो कोर्स कोड यहाँ आ रहा है देन आपको NTA फिल करना है. सो दिस इज़ द थिंग. सिमिलरली डेयरी टेक्नोलॉजी RET के अंदर है, प्लांट पैथोलॉजी वहाँ मिलेगी आपको, सॉइल साइंस एग्रीकल्चर नहीं है वहाँ तो RET में है. 17-18 सीट हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, दैट इज़ वेरी गुड. फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कम्युनिकेशन यहीं मिलने वाला है, हॉर्टिकल्चर के कुछ ब्रांच हैं वो NTA में आपको मिलेंगे. सो सिमिलरली आपको सब्जेक्ट्स देखने, वेटनरी के देखिए सारे के सारे यहीं पे हैं. सो वेटनरी का एक भी सब्जेक्ट NTA में नहीं मिलने वाला BHU का, ध्यान रखिएगा. पता चला आपने यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स डाला और नीचे BBAU आएगा और आप खुश हो जाओगे, आप फॉर्म नहीं भरोगे BHU का, गलत. आपको यूनिवर्सिटी भी देखना है, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फर्दर. Now similarly move on to the next faculties. इन्होंने individually they have mentioned about the faculty of veterinary sciences. जितने भी faculties हैं उन्होंने seat number बता दिया, course बता दिया. ये जो course code है, this course code is for the BHU RET form. जब आप BHU RET form भरेंगे तो ये course code आपको काम आएगा. Now the faculty of arts, कुछ NTA में है, कुछ RET में है, accordingly आपको देखना है. कोई भी mistake मत करना, बहुत ध्यान से forms पर को fill करना. विजुअल आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट, जो विजुअल आर्ट्स से काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, वो NTA का फॉर्म नहीं फिल करेंगे. पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, टेक्सटाइल डिज़ाइन वाले सब यहीं का फॉर्म फिल करेंगे. एजुकेशन वाले 49 सीट्स हैं, बहुत अच्छा नंबर है, आई गेस इतना नंबर किसी का भी नहीं होगा. तो वो लोग भी वो सिर्फ और सिर्फ NTA फिल करेंगे. मैनेजमेंट का NTA से है, सोशल साइंस के भी सारे NTA से ही हैं, कॉमर्स के भी, परफॉर्मिंग आर्ट्स के भी, संस्कृत संस्कृत विद्या धर्म के सारे BHU RET भरने वाले हैं. जितने भी संस्कृत विद्या धर्म के स्टूडेंट्स हैं सब के सब RET भरेंगे, ठीक है. फिर साइंस का आ गया, साइंस में बॉटनी, देखिए सारे साइंस के मैक्सिमम सब्जेक्ट एक्सेप्ट जियोफिजिक्स सारे के सारे NTA में जा रहे हैं. तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा भी पूरा का पूरा NTA में चला गया है, ठीक है. मेडिसिन आप अपना सब्जेक्ट ध्यान से कंट्रोल एफ करके सर्च करना. अब आ जाओ, दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट. सो जो ये जो सीट्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं. उसी सीट्स के अंदर NTA की भी सीट्स हैं, एग्जम्प्टेड की भी सीट्स हैं, BHU RET की भी सीट्स हैं. सो अब 50% जो सीट्स हैं दैट शुड बी फिल्ड थ्रू द BHU RET एग्जम्प्टेड. तो आप JRF है हो, गेट हो, नेट हो, कुछ भी हो, अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो 50% सीट आपकी हैं
और 50% जो रेट या फिर एनटीए। देखो या तो आप रेट दोगे या एनटीए दोगे, तो दोनों में से जो 50% सीट है आपको दोनों में से एक एग्जामिनेशन देना है और एंटर करना है बीएचयू के अंदर। एक सीट होगी तो वो एनटीए को जाएगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और उसके बाद और ज़्यादा सीट होंगी तो इक्वल प्रपोर्शन किया जाएगा। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट मेन डिसिप्लिन और एलाइड डिसिप्लिन का, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल दे रखी है, आप अपने एलाइड डिसिप्लिन का भी फॉर्म भर सकते हैं, और अगर मेन डिसिप्लिन में 10 सीट हैं तो एलाइड वालों को 20% यानी 2 सीट एलाइड वालों को दी जाएंगी, बाकी सब मेन से फिल होंगे। सो नाउ जब आप प्रेफरेंस फिल करेंगे तो आप एलाइड और मेंस को मिला के 4 प्रेफरेंसेस चूज कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जूलॉजी का हूँ तो मैं साइंस फैकल्टी के जूलॉजी डिपार्टमेंट में ही एडमिशन लूँ, मैं आयुर्वेद में ले सकता हूँ, मेडिसिन में ले सकता हूँ, ठीक है, साइंस फैकल्टी में ले सकता हूँ मैं, बहुत जगह ऑप्शंस हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सा होना चाहिए ये इन्होंने यहाँ दे रखा है। डेयरी टेक्नोलॉजी में करना चाहते हो तो ये सारे में से कोई ना कोई आपका सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। सिमिलरली फूड टेक से करना चाह रहे हो तो इन सब्जेक्ट्स में से होना ज़रूरी है, और ये एग्रीकल्चर का ही दिया है बिकॉज हर बार एग्रीकल्चर के फॉर्म्स PDF डिफरेंट होता है, बट अब ये कॉमन हो रहा है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, और सारे एक ही में ब्रोशर में मिक्स कर दिए। 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेटनरी साइंस में भी 55% मार्क्स होना चाहिए, आर्ट्स में भी, सिर्फ मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 60% में उन्होंने मांगे हैं। ये देखिए मैनेजमेंट के अंदर 60% मार्क्स आपके मास्टर्स में होंगे तभी आप PhD में एडमिशन ले पाएंगे। इस अब तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग जो मास्टर्स का होना चाहिए। अब आ जाओ आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कन्फ्यूज़न होगा, ये रिजर्वेशन कैटेगरीज है, तो अगर आप रिजर्वेशन हो तो सेंट्रल का आप लगा सकते हो, ऑल ओवर कहीं पे भी होगे। अब आ जाओ डायरेक्ट एडमिशन, जो एग्जम्प्टेड के हैं जो इस फॉर्म को वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट टू नो दैट वेदर आई एम इन एग्जम्प्टेड कैटेगरी और नॉट, और आई हैव टू गिव द एग्जामिनेशन। सो इफ you are having any national eligibility test NET JRF or LS then you are exempted. If you are GATE qualified then also you are eligible. Any other fellowship, any other national level examination then you are in exempted category. कोई international renowned scholarship है then also you are exempted. QIP program के through हो तब भी exempted हो. IC इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप के थ्रू स्पॉन्सर्ड हो तब भी आप एग्जम्प्टेड हो। ठीक है, अब आ जाओ फॉरेन नेशनल्स पे, तो फॉरेन नेशनल्स का ये अलग कैटेगरी है, अगर फॉरेन नेशनल्स का आप पता करना चाह रहे हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन लेट मी नो। जो रेट एग्जामिनेशन होगा जो आपको देना है, अगर आपका सब्जेक्ट कोड NTA में नहीं है सो उसके अंदर 100 MCQs आने वाले हैं, 100 में से 50% यानी 50 MCQs विल बी ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो हम लोग कवर कर रहे हैं वही सारे क्वेश्चंस आएंगे, वही सारे टॉपिक्स आएंगे। एंड 50% जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे मास्टर्स का ही कीजिएगा, तो 50% क्वेश्चंस आपके आएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, यानी NTA का जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न BHU भी रखने वाला है। अब हुई एग्जामिनेशन की बात, सो एग्जामिनेशन शैल बी टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, टेंटेटिवली अक्टूबर है, नवंबर भी हो सकता है। एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेट सेंटर प्रोसीजर ये नोटिफाइड हो जाएगा और डिटेल अपडेट हो जाएगी वेबसाइट पे, तो जैसे ही आती है वी विल डिस्कस एन अपडेट, बट बिफोर दैट आपको फॉर्म भरना है। अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो देखिए अगर आपके पास नेट है, NTA है, या आपने रेट को स्कोर किया तो 50% मार्क्स आपके उससे हैं, मतलब ओवरऑल अगर 10 मार्क्स हैं तो 5 नंबर आपको उसी में से कैलकुलेट हो जाएंगे। नाउ द रेस्ट ऑफ द 25% मार्क्स इज ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड द रेस्ट ऑफ द 25 इज बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू। ठीक है, तो 50% इससे हो गए, रेस्ट 25% आपके डिवीज़न पर डिपेंड करता है। इफ़ यू आर फर्स्ट डिवीज़न थ्रू आउट फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड देन यू विल गेट 20 मार्क्स, और आपके पास कोई फेलोशिप है तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, तो यानी 25 आपको मिल सकते हैं अगर आपके 10th 12th UG PG में फर्स्ट डिवीज़न है प्लस आप JRF हो। बट आप JRF नहीं हो तो
तो आपको मिलेंगे 20 मार्क्स, सेकेंड डिवीज़न है तो ये, थर्ड डिवीज़न है तो ये, ठीक है। सो सिमिलरली आपका फिर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में भी 20-25 मार्क्स में से टोटलिंग की जाएगी और ओवरऑल आपके मार्क्स बनेंगे। सो दिस इज़ द वेटेज, 50%, 25% एंड 20%। फॉर्म अवेलेबल है ऑनलाइन पोर्टल पे, आपको अप्लाई करना है। अब देखिए, अगर आप रेट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं देन यू हैव टू पे 600 रुपीज़ इन केस यू आर अ जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस। इफ़ यू आर एससी एसटी और पीसी देन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 300। अब आप एनटीए के थ्रू एंटर करने वाले हो, आपको एग्जामिनेशन नहीं देना बट बीएचयू में एडमिशन लेना है, तो आपको सिर्फ 200 रुपीज़ देना होगा जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। एग्जाम्प्टेड हो तब भी एनटीए का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो देन ऑल्सो, इज दैट क्लियर? स्टिल किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बिल्कुल क्लियर कर लेना। अगर आप एनटीए का फॉर्म भर रहे हो, आपका सब्जेक्ट अगर एनटीए के अंदर है देन आपको ये वाली फ़ीस देनी है सेकेंड कॉलम, और अगर आपका सब्जेक्ट एनटीए में नहीं है तो ये वाली फ़ीस देनी है। आपका सब्जेक्ट कहीं पे भी है, बीएचयू के अंदर है और आप एग्जम्प्टेड हो तब भी आपको सेकेंड कॉलम चूज़ करना है फॉर एप्लीकेशन फ़ीस। नाउ द थिंग्स हैज बीन क्लियर। रजिस्ट्रेशन करो, आइडेंटिफिकेशन डिटेल डालो, वोटर आईडी, अपना ईमेल आईडी, फोटोग्राफ अपलेट अपडेट करो, फिर सारी चीज़ें अपडेट करने के बाद जब तक एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट नहीं होगी, फॉर्म सबमिट नहीं होगा और वो रिजेक्ट हो सकता है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। सो काउंसलिंग प्रोसीजर तो मैंने आपको समझा ही दिया, काउंसलिंग होगी, इंटरव्यू होगा, मेरिट बनेगा एंड फाइनली फीस अलॉट और गाइड अलॉट होगा एंड यू विल स्टार्ट डूइंग द पीएचडी। फीस पेमेंट सब ऑनलाइन है सो नो टेंशन फॉर दैट। आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। और अब ये देखो, ये जो दे रखा है, दीज आर द सब्जेक्ट, दीज आर द डिसिप्लिन जो एनटीए से मैप्ड हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एनवायरमेंटल साइंसेस। जब आप एनवायरमेंटल साइंसेस पे जाएंगे, ये ऑलरेडी मैप्ड है, ये देखिए एनवायरमेंटल साइंसेस SCPH 11, BHU के अंदर है, PhD है, दिल्ली में भी है, JNU में भी है, और आप अगर यहाँ देखेंगे सो दिस इज़ द सेम कोड, ठीक है। जोलॉजी, अब देखिए अगर मैं जोलॉजी का हूँ तो मैं कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकता हूँ, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद में, इस डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट के फैकल्टी में, ठीक है, और मैं आयुर्वेद के इसमें भी, ये सब आयुर्वेद के हैं, मैं इन सब में ले सकता हूँ। फिर मैं मॉडर्न मेडिसिन में ले सकता हूँ, मेडिसिन में, जनरल सर्जरी में, एग्रीकल्चर में भी जोलॉजी है, वहाँ भी एलिजिबल हूँ। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप इतनी जगह एलिजिबल हो, ठीक है। सो दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट कि मैं किस डिपार्टमेंट में एलिजिबल हूँ और कैसे मुझे वो कोड फिल करना है एनटीए में। सो प्लीज़ बी केयरफुल, स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो, फिल योर फॉर्म, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा जिससे कि डाउट क्लियर हो जाए एंड आई कैन गिव यू अ एश्योरेंस, आई कैन गिव यू अ गारंटी, आपका एक भी डाउट बचेगा नहीं, 101% वो क्लियर हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपियर इन रेट एग्जामिनेशन और रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। Bye-bye, take care.